वेलकम टू माई चैनल हैपनिंग ऑफ माई लाइफ। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं मानसी जोशी आप सभी के सामने आज हियरिंग और ईयर का लास्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिसमें हम फिजियोलॉजी और बैलेंस के बारे में बात करेंगे। ये हमारी द हियरिंग एंड द ईयर का लास्ट वीडियो है। आई होप कि आपको इससे पहले वाले सारे वीडियोस समझ में आए होंगे, लेकिन अभी लास्ट वीडियो आज ही मॉर्निंग में गया है और उसका सेकंड पार्ट बैलेंसिंग फिजियोलॉजी मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ, बिकॉज उस वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, 14 मिनट्स का हो गया था और मैं उसे 18 मिनट्स का नहीं करना चाहती थी, उससे ज़्यादा का। इसलिए मैंने यहाँ पे 6 to 7 मिनट्स का छोटा सा एक क्लिप बना के आपको लास्ट वीडियो की तरह से प्रोवाइड कर रही हूँ आज ही के दिन में। तो इसमें हम फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो स्पेशल सेंसेस की ही आएगी, लेकिन वो द साइट एंड द आई के बारे में बात होगी। इसमें हम आई पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी ऑफ साइट पढ़ेंगे, हमारा सेकेंड स्पेशल सेंस जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमने ईयर के सारे पार्ट पढ़े हैं, तो उसमें हमने दो पार्ट पढ़े थे। एक पढ़ा था सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल। ये दोनों ही जो हमारे ईयर के पार्ट्स हैं, ये दोनों ही हमारे बैलेंस में वर्क करते हैं। ये हियरिंग में इतना वर्क नहीं करते हैं, करते हैं बट ज़्यादा ये जो कंसर्न शो करते हैं या फिर फोकस करते हैं वो बैलेंसिंग में करते हैं। जब भी हमारे हेड की कोई भी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, तो वो पोजीशन चेंज होना हमारे पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ में मूवमेंट अकर कराती है। अगर हमारा हेड मूव कर रहा है तो हमारे एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ में मूवमेंट हो रहा है। जो हमारे हेयर सेल्स जो कहाँ प्रेजेंट थे, बेसिलर मेम्ब्रेन में, वो क्या करते हैं, बेंड्स हो जाते हैं और हमारा सेंसरी रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। कहाँ पे? यूट्रिकल, सैक्यूकल एंड एम्प्यूले। ये कहाँ है? सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल में है, जिसके रिजल्ट की वजह से जो हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं, कौन सी नर्व थी हमारी वहाँ पे? वेस्टिब्यूल कॉक्लियर नर्व, ठीक है, जो वेस्टिब्यूल नर्व और कॉक्लियर नर्व दोनों में ज्वाइन करती हैं। वेस्टिब्यूल नर्व और कॉक्लियर नर्व, दोनों नर्व आके जब वेस्टिब्यूल कॉक्लियर नर्व बनती है हमारी एर्थ क्लेनियर नर्व, ये यहाँ पे हमारी क्या करती है, इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करती है, ठीक है, जो अपने वेस्टिब्यूल ब्रांच से पास होते हुए कहाँ को जाती है, सेरिबल्लम को। सेरिबल्लम कहाँ का पार्ट है? हमारा ब्रेन का पार्ट है। अगर आप लोगों को ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ना है, CNS PNS, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारी वेस्टिब्यूल ब्रांचेस थी, उसने अपना जो इम्पल्सिस पास करा कहाँ, सेरिबल्लम में। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये अपने इम्पल्सिस को सेरिबल्लम में पास करेगी, तो सेरिबल्लम क्या करेगा, सारी नर्व्स को इम्पल्सिस को रिसीव कर लेगा। किससे रिसीव करेगा? प्रो पेरी रिसेप्टर्स, जिसे हम सेंसरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम और जॉइंट्स में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद क्या होगा, सेरिबल्लम इम्पल्सिस को क्या कर लेगा, रिसीव कर लिया उसने, तो उसने कोऑर्डिनेट कर लिया। कोऑर्डिनेट मतलब उसे ले लिया है, अपने अंदर रिसीव कर लिया है, तो अब वो क्या करेगा, रिसीव करने के बाद उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, काम करवाएगा। जैसे कि हमारा पोस्चर है उसको बैलेंस करेगा, हमारे बॉडी पोजीशन को करेक्ट करेगा, ठीक है, हमारी अपराइट जो पोस्चर हमारा वो होता है कि हम डाउन बेंड कर रहे हैं, अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, या फिर हमारी जो आइज़ है ब्लिंक करे, फिक्सिंग ऑफ आइज हम बोल सकते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली हमारा इससे क्या करता है, हेड भी मूव करता है। तो जो हमारी फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंसिंग है वो बहुत छोटी सी है, बहुत बेसिक है। इसमें सिर्फ दो ही हमारे जो ईयर के पार्ट्स है वो आते हैं, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इसी के अंदर के पार्ट्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। बाकी आपको अगर बैलेंसिंग में फिर भी कोई डाउट है तो कॉमेंट कीजिएगा। मुझे इसका कोई पिक्चर नहीं मिला इतना अच्छा जो मैं आपको शो करूँ और उससे समझा सकूँ, इसलिए मैंने कोई भी पिक्चर इस वीडियो में ऐड नहीं किया है गाइस। तो
एक वीडियो आप बिना पिक्चर्स के चला लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी मेरी वीडियोस पसंद आ सके, आगे मेरी अच्छी अच्छी इवेंट्स उनको मिल सके। और हाँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू गाइज़।